गरियाबंद जिले में अवैध रेत खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। बता दें कि पैरी नदी के मोहेरा बारुका घाट में जिला प्रशासन की टास्क फोर्स द्वारा एक चेन माउंटेन को जब्त कर पुलिस के हवाले किया गया। बारुका घाट पर अवैध रूप से रेत निकासी के लिए शनिवार की रात रास्ता बनाने का काम हो रहा था। इस बीच निकासी मार्ग बनाने में लगी एक चेन माउंटेन पर कलेक्टर दीपक अग्रवाल की नजर पड़ी। कलेक्टर अग्रवाल शनिवार शाम करीब 7 बजे राजिम मेले की तैयारियों का जायजा लेकर लौट रहे थे और तभी मोहेरा घाट में चल रहे अवैध गतिविधि को देखकर रुक गए और उन्होंने तत्काल गठित टास्क फोर्स को कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मशीन को जब्त कर पुलिस के हवाले किया। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। वहां पर मोहेरा घाट और बारका जो हमने सामने है वहां पर बारका क्षेत्र में एक चैन माउंटिंग मशीन के द्वारा रेत निकासी हेतु रोड रैम का निर्माण किया जा रहा था, जिसको मौके पर ही हम लोगों ने संयुक्त टीम राजस्व माइनिंग और आरटीओ उनके द्वारा कार्यवाही करके मशीन को जब्त करके उठा के हम लोग सिटी कोतवाली गरियाबंद में रखे।